हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेडियो जंप लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपके यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, नेट जो एग्जामिनेशन होता है, उसका जो 2019 में एग्जाम होने वाला है, उसका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। खास बात यह कि न केवल नेट में शामिल 101 विषय बल्कि सामान्य जागरूकता के पहले प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी बदल दिया गया है, जो सभी विषयों से नेट देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। तो कंप्लीट सिलेबस इसमें जो है 2019 में, अगर आप देने जा रहे हैं एग्जाम 2019 जून में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। इसे यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर परिवर्तित पाठ्यक्रम को देखने के लिए साथ ही इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, 20 से 28 जून तक होगी परीक्षा। एनटीए ने जून में होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 1 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगे। तो मतलब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है आपके 1 मार्च से शुरू होंगे और 30 मार्च तक चलेंगे। आवेदकों के प्रवेश पत्र 15 मई को एनटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और परीक्षा 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 जून को होगी। परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। और एनटी के वरिष्ठ निदेशक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि यूजीसी नेट के दोनों पेपर 3 घंटे के दौरान आयोजित किए जाएंगे। पहला पेपर सामान्य जागरूकता का होगा, ठीक है, और जिसके लिए अभ्यर्थी जागरूकता होगा, जबकि दूसरा पेपर उस विषय का होगा जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। तो यूजीसी जो नेट की जो एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस चेंज कर दिया है, जो आपके आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और इसके जो आवेदन 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके एग्जाम जून में होने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करना है, वो अपना सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें और वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।